शहर में गैर यकीनी सूरत हाल, जराइम की रेशो पर सवालिया निशान। क्या मेरा लाहौर अब गैर महफूज है? मुझे हरासा मत करो, मेरे घर वालों का क्या कसूर है? आईजी साहब मुझे तहफुज दो, क्योंकि ये आपका अव्वलीन फरीजा है। जनाब सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप मेरे सवालात का जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा आपको एक ऐसी बात बताऊं जिसने शहर का अमन ख़राब कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल से मैं सोशल मीडिया पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स से जो है, मैं जो जितने भी मेरे साथ ऐड हैं, मैं उनके जो है मैसेजेस देख रहा हूं, मुझे मुसलसल उनके मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं और एक पोस्ट जो है बड़ी सनसनी शहर लाहौर में फैला रही है। हम तो वो लोग हैं कि जिनकी मिसाल अगर ये दे दी जाए कि हमने अपने मुल्क में खुशहाली भी देखी, हमने अपने मुल्क के अंदर पुलिस मुकाबलों का दौर भी देखा, हमने पुलिस के बहुत बहुत करप्ट अफसरों को देखा जिन्होंने अपना ईमान बेचकर हम लोगों के ज़मीरों के सौदे कर दिए और इस चीज़ की परवाह ना की कि उनका एक गलत इकदाम पूरे शहर के अमन को ख़राब कर देगा। आज चूँकि हमारे शहर पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर एक बहुत आला ओहदे पे बर्जमान हैं, तो मैं आप सब नाज़रीन की वसातत से जो है और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इतने ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से मैं आपकी राय और आपकी बात को बहुत ज़्यादा नज़दीक से समझता हूँ। मैंने जब अपने तौर पर आपको आपकी ज़ात के लिए और अपने आप को चेंज करके अल्लाह ताला के हजूर एक नेक अमल करके आपको और आपकी यूथ यानी नौजवान को एक ऐसा मैसेज पास करने की कोशिश करता हूं कि जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई करेगा। ये पोस्ट क्या वायरल हुई है कि मैंने एक प्रोग्राम किया है, उसमें मैंने शिमाली छौनी थाने के कुछ लड़कों को, बच्चों को मैंने किसी गलत इकदाम जो कि शहर का अमन ख़राब करने वाली कैफियत में शहरियों को मुब्तला कर देता है, तो मैंने उस चीज़ की निशानदेही के लिए उनकी एक वीडियो वायरल की। उस वीडियो में हमने उसको फेसबुक और पेज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको हमने ब्लर कर दिया ताकि तस्वीर पे मौजूद जो अफराद हैं इनको जो है वो शो यानी करके हम कहीं फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट ना चलें और हमारी ये लगी हुई वीडियो को शायद ये मोनेटाइज करने में इनको प्रॉब्लम ना हो। तो ज़ाहिर है एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, तस्वीरें ब्लर थी, इसके बावजूद सोशल मीडिया पर मेरा एक कदम जो है उसने उन बच्चों को जो है उनके सारा दिन का सुकून और उनके घर वालों का जो सुकून है वो बर्बाद कर दिया। मुझे एक बुजुर्ग आदमी, उनकी ये बात बतानी बहुत जरूरी है, जो बात आपसे मैं शेयर करने लगा हूं आप सुनने के बाद मान जाएंगे कि शाहिद चौधरी हर तरह के टॉपिक पे जो क्राइम से रिलेटेड होगा खुलकर बात करेगा। और मैं आपकी ये जो उम्मीद आपने मुझसे वाबस्ता की है, कतई तौर पे आपके इस एतमाद को मैं आपके बिल्कुल मनोऐन आपकी नीयत और आपकी सोच जो मेरे मुताबिक है मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। उस मेरी वीडियो की वजह से एक बुजुर्ग, उनका मुझे फोन आया, मुझे नहीं पता कि वो ड्रामा कर रहे थे या वो दिल की गहराई से बोल रहे थे। वीडियो पैगाम एक लगा हुआ है, आप मेरी शाहिद सीएच वाली मेरा फेसबुक अकाउंट पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसे खुद वायरल कर दिया है क्योंकि मैंने उनसे जुबान की थी कि अगर आपका भेजा हुआ पैगाम बेशक वो मेरे खिलाफ हो, आप जो दिल में बात आती है, आप मुझे गाली में निकालना चाहते हो तो आप मुझे निकाल दें, लेकिन मैं पॉलिसी के मुताबिक उस पर बीप लगाऊंगा ताकि आवाज़ जो गाली की है वो लोग ना सुन पाए और लोगों को ये पता तो लग जाना कि बाबा जी शाहिद चौधरी को गाली निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको यहां तक इजाजत दे कहा कि आप मुझे भेजें, मैं आपके पैगाम को अगर अपनी आईडी फेसबुक अकाउंट पर वायरल ना करूं तो फिर आपने ये समझना है कि मैं बददियानती से मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं। मैंने वीडियो वायरल की, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, मेरा नाम जहरा खान है और कल मैं वीडियो वायरल देखी है, मैं बहुत परेशान होया कि तुसी तो सच्ची गल करते हो ते तुसी ये सच्ची गला दे विच किस किस्म की गल कचड़े बगैर कन्फर्मेशन दे मेरे बेटे फुरकान हनी के नाम तुसी विच लाया है कि ये मेरा मतलब वांटेड है ते फलाने टमकाने जनाब
मेरे बेटे नूं पूरे लाहौर दीआं पुलिसां तंग करनगीआं। मैनूं इह दसो कि मैं कित्थे जावांगा। मेरी बीवी बीमार है, कैंसर दी मरीज़ है, मैं खुद दमे दा मरीज़ हाँ, साडी ट्रीटमेंट जारी है। ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਮਬਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मुझे यही महसूस हो रहा है कि उन बाबा जी का जो बेटा अगर कुछ गलतियां करता भी होगा तो उस बच्चे ने इस वीडियो का गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ लाहौर के आते ही जो शहर में एक पुलिस का जो एक अच्छा मोराल बुलंद हो रहा है उस वजह से वो बच्चा इतना हरासा हो गया। और इन बच्चों के ये अल्फाज हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून या कोई और हुकूमत पीपल्स पार्टी वगैरह होती तो कभी भी इस तरह के काम नहीं होने थे, जो कि महकमे पुलिस के लिए खुश आइंद। लोगों की राय चेंज हो रही है, जो इतने सालों का गंद लोगों के जहन में पुलिस के बारे में बैठ गया था, अब उसको ठीक होने में भी कुछ वक्त दरकार है। मैंने उस बाबा जी की वीडियो से जो है मैंने ये सोचा और मैंने आपको मैसेज दिया है कि अपने अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा करें कि आप अगर इशारा टूटा हुआ है और अब ट्रैफिक पुलिस वालों को ये कहते हैं कि भाई जाओ जो करना है कर लो, तो वो आपकी वीडियो बना के वायरल करेगा, एक मुकदमा अलग से होगा और साथ आपको चालान भरना पड़ेगा। और अगर वही आप इखलाकी जुर्रत पैदा करते हुए उसे रिक्वेस्ट कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो भी कोई इंसान है, फिरौन नहीं कि वो आपको हरासा करें या इस तरह के इंडेमिटी या कोई वाकया जिससे हमारे शहर लाहौर का मोराल नीचे जाए वो काम ही नहीं करें आप, और आप पुलिस को मौका ही ना दें। और अगर हो गया है तो उसको अपालोजाइज इस तरीके से करें कि आपका घमंड और तकब्बुर वहां पर नजर नहीं आना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला पुलिस आपके साथ रवैया बेहतर करेगी। इसी तरह जब मेरे जमीर को उस बाबा जी की वीडियो ने झंझोड़ा तो मैंने ये अहद किया कि मैं बिल्कुल जिस तरह अपना एहतसाब करता हूं और लोगों को ये भी कहता हूं कि अगर आपने मेरे बारे में कोई मनफी बात करनी है तो आप अपनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके मेरे खिलाफ बोले, और अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट या अपने पेज के ऊपर उसे वायरल ना करूं तो आपने दिल में मुझे बददुआ देनी है और मेरा बुरे के लिए आपने खुदा से जो है ना पुकारना है। अगर मेरा जमीर जिंदा है तो क्या आप सब लोगों का जमीर मर चुका है? कौन है यहां पे जो मामे काबा का बेटा है? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई है। अब देखें कि एक इंस्पेक्टर है थाने का, ये बात बड़ी जरूरी आपको बताने लगा हूं, उसका एक स्केल है, तो अब मुझे नहीं पता वो 22वें 21वें, मैं कोई तैयारी तो करता नहीं, जो दिल में होता बस वो निकाल देता हूं आपको साथ शेयर कर लेता हूं। वो जितने भी स्केल का जो जितने भी वो है रैंक का, तो उसी हिसाब से वापडा वासा बल्दिया डाकखाना हर जगह पे जहां पे गवर्नमेंट के सर्वेंट काम कर रहे हैं उनका एक रैंक है। तो क्या वापडा वाले अगर किसी का मीटर चोरी करते हुए बिजली की तारें रेड हैंडेड उस बंदे को पकड़ लें तो क्या ये उसको छितर मारने शुरू कर देते हैं? क्या उससे बदजुबानी से बात करते हैं? वो अपने आप को पुलिस चूंकि वर्दी में नहीं होती, वो एक आम सिविलियन बन के वो दफ्तरों में मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनकर बैठे होते हैं, तो शायद इस वजह से वो अपने आप एक ऑपरेशनल नहीं समझते, वो अग्रेसिव नहीं होते, उनका रवैया नफी नहीं होता, उनको पता होता है कि हम एक आम आदमी बंदा वीडियो बना लेगा। खैर बातें बहुत हैं, बात किधर की किधर निकल जाएगी। अब मैं आपकी तवज्जो इस लिस्ट की तरफ दिलवाना चाहता हूं। अगर तो ये लिस्ट महकमा पुलिस ने शाया की है तो मुझे ये बताया जाए ये इतनी अनकॉन्फिडेंशियल कैसे हो गई, ये किस लैपटॉप से, किस व्हाट्सएप से, किस लिंक से ये जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई? मेरे अदारे सो रहे हैं, फौरी तौर पर इस वीडियो का नोटिस लिया जाए और ये जो लिंक लोगों को सेंड करके हरासा किया जा रहा है, और अब देखें कि वो बंदा किस पॉलिसी के तहत लोगों में हरासमेंट का मैसेज अपना डाइवर्ट कर रहा है, और ये एक बहुत ज्यादा लम्हा है, फिक्री है। अगर तो वह लिस्ट जेन्युइन है तो ये बाहर कैसे आई? और अगर ये लिस्ट बाहर आ गई है और इस तरह से ही होना है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, महकमा पुलिस बेहतर फैसले करे, मैं एक आम शहरी हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मुझे इस लिस्ट के मुताबिक अगर यह महकमा पुलिस की जानिब से जारी हुई है तो यह शख्स कौन है? मुझे बताया जाए क्या यह शूटर है?
और ये लिस्ट जहां से भी निकली है क्या ये महकमा पुलिस के अफसरान ने जारी की है, किस अदारे और किस ब्रांच के कहने पे ये लिस्ट बनाई गई है, और अगर ये शख्स आपको मतलूब है तो ये अभी तक जिंदा क्यों है या पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं? अगर ये लिस्ट आपकी नहीं तो फिर ये अगर मेरा अदारा एफआईए ब्रांच का सोशल मीडिया सेल अगर ये भी पता ना कर सके कि ये वीडियो किस वाया से या ये लिंक कहां से चला और ये किस तरह से शहर की एक शहर के अंदर सीसीपीओ साहब बहुत ज्यादा कोहराम बरपा है, लोगों का एक बहुत ज्यादा तबका 80% लोग मुझे पूछ रहे हैं कि चौधरी साहब आप पेशन गोई बड़ी जबरदस्त करते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो मेरे पास मकूल जवाब नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि ये अदारों की खास करके एफआईए उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मोहसिन शाह ये किसका बेटा है, क्या ये शूटर है? लिस्ट इतनी लंबी है कि मेरे लिए नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। मैं अपने मोबाइल फोन को ऑन करके आपको मनो एन इन लोगों के नाम और ये लिस्ट मेंशन करने की कोशिश करता हूं। ये पीछे जो पर्दा स्क्रीन, ये दूसरा लड़का साजिद शाह, ये आप मलाजा करें कि इसके हाथ में गन है और इसका नाम उस शूटर लिस्ट में है जो आवाम को शायद हरासा करने के लिए ये वायरल की जा रही है और शहर के अंदर पुलिस के मोराल पे ये सवालिया निशान है। अगर आप डकैतों, कातलों या ऐसे अफराद के पीछे चढ़े रहेंगे तो फिर सोशल मीडिया पर ये ग्रुप जो हरकत में आके शहर का अमन खराब कर रहा है, इन लोगों को कौन हाथ डालेगा? ये बहुत बड़ी बात है कि शहर का अमन खराब करने के लिए इस लेवल पर प्लानिंग हो रही है और उसको बिल्कुल लोग एक दूसरे को वायरल करके हरासा कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये शहर का अमन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब आप ये देखें कि ये जो लड़का मलक हसन है इसके आगे शूटर लिखा हुआ है, ये हाजी इशफाक गैंगस्टर लीडर एंड हेड ऑफ शूटर, ये तस्वीर हाजी इशफाक साहब की है जो इछरा बाजार के मेरा ख्याल है को 10-12 साल से सदर है। अब उसके बाद ये साजिद शाह शूटर, फैसल जट शूटर, फैसल जट के आगे ये भी लिखा हुआ है मनशियात फरोश। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है इरफान उर्फ इफी शूटर। आप इन बच्चों के चेहरे देखें और आप सोचेंगे अगर ये लड़के शूटर हैं तो मावराए अदालत कत्ल करना, पुलिस मुकाबला करना, या इस चक्कर में कि ये शूटर हैं तो इनको मार दिया जाए, आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और आवाम के सामने सोशल मीडिया के जोर पे आप अपना पैगाम जो है लोगों में वायरल करें जिसमें लोग इनके चेहरों को देखें और इनकी बातों का इकबाल करते हुए इनको देखें, तो ये बात जो होगी आप आवाम पर छोड़ दें। कोई भी बात करते हैं तो आप आवाम पर फैसला छोड़ें, आवाम बेहतर आंख से देख रही होती है। ये लड़का उस्मान शूटर, अब ये अली कुफा, इसको मैं जाती तौर पे जानता हूं, ये लड़का शूटर हो ही नहीं सकता। अब ये शफीक बॉक्सर, अब ये मियां बिलावल शूटर, ये इमरान लाला शूटर, ये एहसन उर्फ लाला शूटर, ये मियां अदरीस जट गैंग लीडर एंड हेड ऑफ द शूटर्स, कातलों का हेड है ये बंदा। अब ये कह रहे शफीक बॉक्सर गैंग लीडर एंड मेन हेड ऑफ द शूटर्स। अब ये देखे कासम शाह शूटर, ये लड़का है इरफान उर्फ चूरन चटनी जट, अब इसको मैं जानता हूं छोटे भाइयों की तरह है, मेरा नहीं ख्याल ये लड़का शूटर होगा। अब ये मलिक सिकंदर, इसकी मुझे वीडियो आई है, शाहिद भाई क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं आप? शाहिद भाई मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है आपके बारे में कि आप बड़ी हद तक की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई मसला मसाइल, आप बड़ी वो उसकी गहराई तक जाके फिर वो दुनिया के सामने लाते हैं। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है इस टाइम। मेरी आपसे ये दरख्वास्त थी कि आजकल एक लिस्ट तैयार हुई है 10-12 बंदों के खिलाफ कि ये लोग शूटर हैं, पैसे ले कर लोगों को जख्मी करते हैं, ये चीज़। मेरी एक दरख्वास्त थी कि शूटर का मतलब लोगों को पता है कि ये शूटर होता क्या है? शूटर पैसे लेके किसी को शूट करना, ये जख्मी करना। मेरा रिकॉर्ड आप पूरे इछरे से आप पता कर लें, मैं इछरे का रहायशी हूँ, पूरे इछरे से आप पता कर लें, या आप इछरे थाने चले जाएं, किसी भी थाने लाहौर के किसी भी थाने में चले जाएं,
और जाके वहाँ से पता करें कि ये बच्चा किसी एक्टिविटी में मुलव्वस है या कोई चीज़ है, इसका कोई रिकॉर्ड है। हालांकि मेरा इन बंदों के साथ जितने भी हैं लिस्ट में, मेरा इनके साथ कोई अमल दखल नहीं है, कोई ताल्लुकात तो मेरा कोई इस तरह का नहीं है। आप बेशक माशाल्लाह आपके ये अप्रोच भी है, हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं, मेरा इनके साथ कोई लिंक नहीं है। और कुछ आज ये कुछ दिनों से, दो चार दिनों से ये चीज़ वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये शूटर हैं, इनके खिलाफ़ ये सीसी पीओ ने कार्रवाई कर दी है, ये कर दी है, वो कर दिया है। लिहाजा मेरी एक दरख्वास्त है कि यार कोई भी चीज़ है, आप पहले उसकी गहराई तक जाएँ, फिर उसे वायरल करें। एक चीज़ उठाई देखा यार, मेरी एक फेसबुक पे किसी ने पिक्चर लेके वो अंदर ऐड करके लिख दिया नीचे शूटर, क्या मतलब इसका कि मैं शूटर हूँ? मैं किसी भी किसी पुलिस अफसरान या किसी के खिलाफ भी किसी की पिक लेके लिख देता हूँ कि यार ये बंदा इस तरह का है, तो लोग उसे वायरल कर देंगे। पहले उसकी तहकीक करें, उसकी चीज़ जानें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि लोगों तक ये जितना ये चीज़ वायरल हो रही है आपसे, ये मेरी एक दरख्वास्त है कि आप ज़रा ये मेहरबानी करके थोड़ी सी अपने थ्रू ही इंक्वायरी कर लें और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि यार ये चीज़ नहीं है जितना लोगों ने वायरल किया हुआ है। कुछ ये एक दो साथी हैं जिन्होंने ये चीज़ को ज़्यादा वायरल किया है, और मेरी कुछ आला अफसरान से भी दरख्वास्त है कि आपकी मेहरबानी है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, तहकीक करें कि ये कितने वायरल किए। और इसमें वीडियो में ये लड़का, मैं वो फेसबुक पर नहीं लगाई, मैंने कहा यार सबकी मुझे कॉलें आ रही हैं कि हमें तहफ़ दिया जाए, बड़े आजकल आप पुलिस वालों की मुंशीगिरी कर रहे हैं, तो क्या आवाम जब मर जाएगी या जेली पुलिस मुकाबले शुरू हो जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे पुलिस वालों ने कहीं आपको जो है ख़रीद तो नहीं लिया, या आपकी कोई डिमांड या इलीगल बेनिफिट तो आप नहीं ले रहे? तो मैं आप सबको साबित कर रहा हूँ कि मैं ना इस तरह का था, ना मैं हूँ, और अब कतई तौर पर इस तरह का नहीं रहूँगा। यह मेरा आप सबसे वादा है। आप मेरे काम देखें, अगर मैं रियायत करूँ किसी अदारे किसी महकमे के साथ, फिर आपने मेरा नाम गद्दार डालना है। मुझे सिर्फ एक मैसेज कर दीजिएगा, गद्दार, मेरे लिए ये मौत होगी। हर इशू पर बात करने की कोशिश करूंगा यार, तनकीद ना किया करें, मुझे मेरी रहनुमाई किया करें, मेरे हौसले को सराहें, मेरी बातों को समझें। मैं आपका भी उतना ही नक्शे अमन के बारे में खैर हुआ हूं जितना महकमे पुलिस का हूं। मेरी बात को मसवत लिया करें। क्या ये लड़का मलिक सिकंदर, सीसीपीओ साहब, आपको शूटर लगता है? मेरे पास इसका वीडियो क्लिप बना हुआ, कल मैंने इसे बुलाया है और मैंने इसे कहा कि अगर तुम शूटर भी हो तो मेरे पास आओ, इंशाल्लाह ताला नीचे वो कला का दफ्तर है, मैं तुम्हें दफ्तर के अंदर बिठा कर तुम्हारा सारा मौकफ लूंगा, तुम जो दिल में बात है तुम खुल के अपना पैगाम वायरल करो। मेरे नौजवान को तहफ़ देना आपका अव्वलीन फरीजा है, जनाब मोहतरम आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब। जीशान, क्या ये शूटर है? मोहम्मद मंसूर, शूटर एंड राइट हैंड ऑफ अदरीस एंड शफीक, ये इस लड़के के नीचे लिखा हुआ है। अब इसके बाद हामिद बॉक्सर, शूटर, ये लड़का जी फुरकान लोधी, ये भी शूटर लिखा हुआ है। नोमी बट, शूटर, हसनैन शूटर, सुहेल बट शूटर, हसन बट शूटर, मलिक आसफ शूटर, अब्बास खान शूटर, ही मेक ऑल शूटर्स फॉर अदरीस जट, इमरान लालू शूटर, बिलाल भट्ट शूटर, अब्दुल्ला मलिक शूटर, अब्दुल्ला मलिक खान इसका नाम पूरा, शूटर, फैजान बॉक्सर, इस लड़के को भी मैं जानता हूं, छोटे भाइयों की तरह, यह भी शूटर नहीं हो सकता। तबस्सुम भट्ट, इसके आगे भी शूटर लिखा हुआ है। अब मैं जनाब आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर से दो बातें पूछूंगा। पहली बात, क्वेश्चन नंबर वन तो ये, क्या ये लिस्ट आपकी तरफ से या आठ रॉबर्ट क्लब पे स्पेशल ब्रांच के लिए जो पुलिस काम कर रही है उसकी तरफ से, सिक्योरिटी अदारों में सिक्योरिटी ब्रांच आती है, क्या ये उनकी तरफ से किसी CIA के आला ओहदे पे फाइज SP की जानिब से ये लिस्ट कहां से जारी हुई? क्या लिस्ट के मुताबिक आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा प्रूफ मौजूद है कि जो ये साबित करे कि ये लड़के शूटर हैं? जाहिर है शूटर का मर्डर जो है ब्लाइंड मर्डर है। एक ब्लाइंड मर्डर में कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है मेरे मुख्तरम IG साहब के पास
कि उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंशियल लिस्ट जो इतनी महफूज होती है, ये किस तरह से जो है इसका लिंक बाहर वायरल कर गया, ये कौन सा बंदा या कौन सी शख्सियत इसमें मुलव्वस है कि जहां से ये वायरल होना शुरू हुई। FIA के लिए वो इतना बड़ा इशू नहीं है, फोन का आप डाटा निकालें और वो वीडियो, आप किसी भी वीडियो को देखें तो विद इन नो टाइम आपको पता लग जाता है कि ये वीडियो कहां से और किस टाइम पे वायरल हुई। मैं FIA के डिपार्टमेंट का जो सोशल मीडिया उनका इन्वेस्टिगेशन सेल है उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो हरकत में तब आएंगे जब लोग अदम तहफ्फुज का शिकार हो जाएंगे? मैं एक बुज़ुर्ग आदमी की ये वीडियो देखकर, जो सदर की मैंने फायरिंग का वाक्य आपको बताया और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं ना उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने फायरिंग की, और ये आपको पता है कि लोगों ने पुरानी वीडियोस निकाल निकाल के अपनी ग्रिज निकालने के लिए लोगों को फंसा रहे हैं। तो मैं कोई इतना टेंटू हाँ तो हूँ नहीं कि मैं हर बंदे की इज्जत को उछाल दूँ, मैं तो इन चीज़ों के लिए जो है ख़ुद इन चीज़ों को कंडेम्ड करता हूँ और मजम्मत करता हूँ जो अमली तौर पर आप लोगों को नज़र आ रही है। आज मेरा ये प्रोग्राम जो है, क्या आप मुझे ये बताएं कि पुलिस का जो है मोराल इस बात से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा कि ये लिस्ट अगर जेन्युइन है तो ये लिस्ट शाया कैसे हो गई, कैसे ये हर बंदे तक ये पहुंच गई? ये इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है, इवन कि एक बंदे के डिटेंशन ऑर्डर आते हैं तो वो भी बंद लिफाफे में होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी से इशू होते हैं और उसको मुतलका SP के अलावा सिर्फ SHO देख सकता है। तो ये लिंक किस तरह सारी मार्केट में जो है लोगों को हरासा करने के लिए पुलिस के जो काली भेड़ों में, जाहिर है आपको पता है हर महकमे में काली भेड़े भी हैं, उन्होंने अपनी दुकानें जो है उनके पानी के छट्टे लगा के शटर ऊपर कर लिए हैं और लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं यार ये लिस्ट शाया हुई है, तो वो अपनी मन मर्जी के रेट और जानने वालों से जो है थोड़ी रियायत करके पैसे और मुआवजा वसूल कर रहे हैं। ये बात 110% है जनाब मिस्टर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर साहब। मेरा मकसद बुरे काम और किसी भी क्राइम की निशानदेही करना है। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर SP भी है तो उसके रैंक का वापडा में भी कोई अफसर मौजूद है, तो फिर वो ऑपरेशनल है तो वो ऑपरेशन क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ उस वर्दी का उसको हमें हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आप ये देखें कि आपके हुक्म के मुताबिक दुश्मनदारों ने वेपन उठाने छोड़ दिए। ये मुबशर गोगा जो बेशक PTI के MPA का छोटा भाई था, तो आप ये देखें कि वो नाकस सिक्योरिटी और अपने ही लाइसेंसी वेपन को ना कैरी करने की वजह से दुश्मन को मौका दे गया और वो हमलावर मलक गोगा को कत्ल करने में कामयाब हो गया। क्या मुझे आप ये बताएं, हमारे अगर लाइसेंसी वेपन हम अपनी हिफाजत के लिए कैरी नहीं कर सकते तो क्या हम लोगों से मेल जोल और लोगों की खुशी गम में आना ही छोड़ दें? क्या हमारी पुलिस हमें इंसाफ फराहम करने में कमजोर है? क्या अमेरिका में इंतजामिया और लोगों के दरमियान झगड़े नहीं होते? अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क अवाम के मुजाहरों से हिल नहीं जाता? तो ये कितने अदम तहफ्फुज़ की सूरत हाल होती है, लेकिन कहीं पर भी अमेरिका में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि लोग एक नाजायज कत्ल पर भी खलके खुदा की आवाज बन के अमरीका के दरो दीवार हिला देते हैं। मैं अकेला चला था इस जो मिशन के ऊपर ना, तो आज देखें आप दोस्त और खास करके ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनका जज्बा और जुनून, जो उनकी सोच और मोहब्बत मेरे बारे में है, मुझे शायद ये मौत के रास्ते पर चला रही है। लेकिन क्या मैं इस चीज का मुआवजा ले रहा हूं? क्या मेरे को जुए हने, मेरा को मनशियात का अड्डा, मैं क्या जुर्म कर रहा हूं मुझे यह बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं एक आम शहरी हूं, क्या मेरे अंदर खुदा ने दो दिल डाल दिए? मैं जिस तरह से आपको वायरल करता हूं और जिस मकसद और नीयत से वायरल करता हूं, यह मैं या मेरा खुदा जानता है। मेरी इस नेक नियति को देख के जनाब IG पंजाब साहब और मेरे मोहतरम CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब, सबसे पहले आप इस वायरल किए जाने वाली जो लोगों को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे आप ये जवाब दें। मुझे आपका जवाब चाहिए, क्या ये लिस्ट इतनी अनकॉन्फिडेंशियल थी कि महकमा पुलिस के जारी करदा अफसरों ने खुद इसको जो है वायरल कर दिया? अगर ये लोग क्रिमिनल हैं और शहर का अमन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते तो बेशक आप इनको गिरफ्तार करें। और एंड पे मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को, अपने अजीज़ो अकारब को और तमाम देखने वालों को ये बात कहूंगा कि अगर आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई अगर वो मुझसे राबता करता है और मुझे वो अपने माजी के बारे में कुछ बातें बताता है, और ये जो लिस्ट में आप देख रहे हैं कि ये सब नौजवान जो पीछे चल रहे हैं, अगर ये बच्चे वाकई शूटर हैं तो
तो मेरे कहने पे फौरी तौर पे अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर कर दो। पुलिस ने आपको अहद कर लिया है कि आपको सबको कैफरे किरदार पे पहुंचाना है। कल एक पैगाम सीसीपीओ लाहौर की जानिब से शाया किया गया कि सीसीपीओ लाहौर ने पुलिस अफसरान को शूटरों के कत्ल का टास्क दे दिया। तो क्या ये लम्हे फिक्रिया नहीं? दोस्तों और भाइयों, मेरे चाहने वालों, मैंने आज आपको ये साबित कर दिया है। आप देखें कि ये मैसेज कल से व्हाट्सएप मैसेजेस में किस तरह से हरकत में है, और किसी भी शख्स ने, किसी भी सहाफ़ी ने, किसी भी जर्नलिस्ट ने, ख्वाह उसका ताल्लुक क्राइम से है या इस मुल्क के अंदर हरासमेंट फैलने की अगर कोई भी वजूहात हैं, तो उस पर कोई भी बोलने वाला जर्नलिस्ट क्यों बात नहीं करता? मुझे आप ये बताएं, इन लोगों ने ज्यादातर पुलिस वालों से और अफसरान से अपनी मर्जी के प्रोटोकॉल लेने होते हैं, जो एक वायरस और एक बीमारी से कम नहीं। यही चीजें मेरे मुआशरे का अमन खराब कर रही हैं। मैं आपको एक बात बड़ी जबरदस्त बतानी चाहता हूं। इस लिस्ट को, लिंक को मैंने खोलने के बाद हर लड़के के बारे में उसके इलाका और उसके दोस्त अहबाब से राबता करके अपनी एक जो है राय कायम की है कि इसमें ज्यादातर अफराद जो हैं उन्होंने कभी जुर्म ही नहीं किया। शायद वो सिर्फ टारगेट किलिंग करते हों। मैं अदारों को इस इकदाम से रोकता नहीं, लेकिन खुदारा मेरे अमन को खराब करने के लिए ये जो हरासमेंट के मैसेजेस है ना, इससे बेहतर तो ये है आप इन नौजवानों को गिरफ्तार करके इनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, लेकिन मुझे ये बताएं कि इनके बूढ़े वालदैन का क्या कसूर है? क्या वो आराम से और सुख की नींद सो सकते हैं जबकि पुलिस मुकाबलों का दौर दौरा है? और पुलिस, ठीक है, मैं इस इकदाम को सराहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, मैं खुद उन सब पुलिस मुकाबलों के बारे में अपने सीसीपीओ साहब को ये कहना चाहता हूं, और ये खल्के खुदा की आवाज़ है कि उन्होंने ये तमाम पुलिस मुकाबले जो किए हैं ये क्रिमिनल लोगों के थे। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं एक लिस्ट जो और मेरे पास मौजूद है, उसमें 3-4 भाई ऐसे हैं जिनके साथ मेरा माजी में कोई झगड़ा रहा है, लेकिन मैंने उनके साथ सुलह को तरजीह दी, ना कि मैंने लड़ाई को पसंद किया। आज अगर किसी लिस्ट में मैंने उनका भी नाम देखा है, मैं इस पर भी अपने सीसीपीओ काबिल एहतराम गुलाम महमूद डोगर साहब से ज़रूर ये पूछूँगा, क्या ये लोग वाकई पुलिस को मतलूब हैं? लेकिन अगर ये मतलूब नहीं, तो मैं अपनी सबका किसी भी रंजिश को इस बात में आड़े ना आने दूंगा, और इन सब के बारे में भी और इनकी जिंदगी के बारे में भी कि क्या ये शूटर थे या क्या अंदर के मामलात हैं, ये मैं आपसे अगले प्रोग्राम में शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी बात और बात करने का तरीकाकार पसंद आया है, तो अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं आप सबकी राय का मुंतजिर रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।